अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जेपास की हैंड मिक्सचर की अनबॉक्सिंग करूँ। ये बहुत अच्छा है और ये डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करने में यूज़ होता है। तो आइए हम अपनी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 7 स्पीड है, इसकी 150 पावरफुल मोटर है, बीटर्स एंड ओ हुक्स, और यहाँ इसकी 2 ईयर वारंटी भी है। और यहाँ पे ये जेपास का है, इसके जो जेपास का हैंड मिक्सर ये वाला, और इसके जो प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स अभी मैं आपको वो सुनाऊंगी। सबसे पहले ये 7 स्पीड हैंड मिक्सचर इसका, फिर 2 बीटर्स फॉर एग्स एंड क्रीम, फिर 2 हुक्स फॉर मिक्सिंग डो। तो ये यूँ होगा, आप सब देखिएगा कि ये जब मैं इसको खोलूँ तो ये कैसा होता है। तो आइए हम इसको खोलते हैं। ये सबसे पहले तो ये यूँ खोलेगा। ये जो हैं ये इसके बीटर्स हैं, फिर ये मशीन है, और इसके साथ ये इधर ये यूज़र मैनुअल है, इसके बारे में सारा कुछ है, इस हैंड मिक्सर के बारे में जो हमें नई ज़रूरत। और इधर इसमें ये वाला जेपास कफ और योर लाइफ का ऐसे ना, ये वारंटी कार्ड है। अच्छा, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस जेपास की कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसके होम अप्लाइंसेस है, किचन अप्लाइंसेस, फिर पर्सनल गैजेट्स, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स और लाइटनिंग डिवाइसेस। तो अब हम लोग बॉक्स को रख लेंगे साइड पे और इसको करेंगे, इसको निकालेंगे इसके रैपर से। तो ये इसकी पीछे मशीन है, तो ये इसकी ये जो है ये मशीन है, ये जेपास की है। यहाँ पे इसके वो मिक्सिंग करने वाली चीज़ें लगती हैं इसकी, यहाँ इधर ये जेपास का है। और तो और ये इसकी वायर है। फिर यहाँ पे हमारे पास इधर आ जाती है ये इसकी बीटर्स हैं, ये दो बीटर्स हैं। और एक ये और ये दोनों जो हैं ये डो को मिक्स करने के लिए। तो इसकी ये जो वायर है ये इसके ऊपर ये ना ये लगे हुए हैं जो ये उतर सकते हैं, ये ना उतर सकते हैं, इसके साथ ही ये लगे हुए हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ये साइड इसको हम लोग दो साइड पर रख देंगे। ये है हमारी मशीन और यहाँ पे इसके सारे नंबर्स हैं, और ये इसका जो कंट्रोलर है ये इधर है। यहाँ से हम जितना मतलब उसको करना चाहे हम लोग उतना कर सकते हैं, जितनी स्पीड हम यहाँ से 1 से लेके 7 तक इसकी स्पीड ऑप्शंस हैं। और ये यहाँ पे ये होगा ऑफ और यहाँ पे ये ऑन, और ये सब कुछ होगा। ये सारा इसका बटन है, और ये इसकी जो मैंने आपको बताया ये इसकी हुक्स है। अच्छा, यहाँ पर फिर अब मैं इसको लगाऊँगी, लेकिन उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये देखिए मैं ये लगा रही हूँ और ये इसके लगेगी, और इसको लगा दिया है। जी, तो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी। लेकिन अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी कि हम लोग इसको कैसे लगा सकते हैं। ये जो है हम लोग को बिल्कुल इसके एजेस में जाके लगाना है और इसको पुश कर देना है, और जब इसके मतलब वो आवाज़ सी आएगी, क्रिक सी होगी, इसका मतलब कि ये सही फिट हो गया, और ये वाला हो गया सही फिट। फिर हम लोग ये वाला लगाएंगे, इसका भी हो गया। अच्छा, ये यूँ हो गया, और अब हम लोग यूँ करके ना इसको यूँ पकड़ के इसकी जो वायर रहती है ना, ये वायर हम लोग इसको लगाएंगे, और इससे जो अब बाउल जो होता है जो भी मिक्सचर हम लोग इससे यूँ उसको पकड़ के ये इस बटन से हम लोग इसको मिक्स करेंगे। और ये वाले जो दो हैं ये वाले भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये वाले जो हैं वो हैं डो को मिक्स करने के लिए, ये दो डो को मिक्स करने के लिए। तो आइए मैं आपको ये दो दिखाती हूँ। हाँ जी,
तो अब मैं आपको दिखाऊंगी ये लगाने के, बिल्कुल जिस तरह ये लगते हैं वैसे ही ये लगते हैं, लेकिन बस मैं आपको इसका इसका शॉर्ट तो थोड़ा कट के दिखा दूंगी जल्दी जल्दी। ये देखिए ये यूं, और ये लगेगा स्ट्रेट यूं। ये देखिए ये यूं होगा, और ये भी इसका बटन है यहाँ पे, ये और ये यूं मिक्स होगा। तो गाइस ये थी हमारी अनबॉक्सिंग की वीडियो जो आज हमने आप लोगों के लिए बनाई। ये जिपास का, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिपास का हैंड मिक्सचर जो बहुत अच्छा है, ये मैंने कल ही लिया था, ये मैंने कल ही लिया था। ये बहुत अच्छा जिपास का हैंड मिक्सचर है, आप इसको चीज़ों को मिक्स करने में यूज़ करते हैं, स्पेशली जब आप केक मिक्स केक्स बना रहे होते हैं तब ये तो बहुत काम आएगा मिक्स करने में। तो ये हैंड मिक्सचर है, ये बहुत अच्छा है, आप ज़रूर इसको बाय करें, ये बहुत अच्छा है, इसकी चलता भी सही तरीके से। मैंने आपको इसके सारे प्रोडक्ट मैंने आपको सारे इसके प्रोडक्ट्स के फीचर्स भी दिखाए थे। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगली बार। अल्लाह हाफिज़।